नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोले पीएम मोदी, कहा नेताजी के विजन को साकार करने के लिए कर रहे काम, राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर वार, कहा लोकप्रियता हासिल करने के लिए बदला गया अंडमान में दीपों का नाम। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई पुरानी पेंशन स्कीम। मोदी सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा अभी सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल का रेट और बढ़ेगी कीमत। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा कोविड खत्म होते ही लागू करेंगे CAA। बागेश्वर धाम ने दिया हिंदू राष्ट्र का नारा, बोले तू मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग, कहा नेताजी को देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद एक साल से लड़कियां स्कूल नहीं आई, CGI बोले जल्द होगी सुनवाई। बागेश्वर बाबा को चुनौती देने वाले श्याम मानो को मिली जान से मारने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बोले, कहा जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे राज्य का दर्जा। हिमाचल के सीएम का बड़ा ऐलान, कहा अब महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए। गुजरात कोर्ट की टिप्पणी, कहा विलुप्त हुई गाय तो खतरे में आ जाएगा धरती का अस्तित्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 2047 तक भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे अमीर देश। हर दिन 3000 लोगों की जा रही नौकरी, जनवरी में 160 कंपनियों ने 65,000 कर्मचारियों को निकाला। मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भरेगी सरकार, सीएम ने किया ऐलान। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री बैन करने पर बोले ओवैसी, कहा महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की फिल्म भी होगी बैन। अब झारखंड में भी उठा जातिगत जनगणना का मुद्दा, कांग्रेस नेता ने रखी मांग। पीएम मोदी का भीलवाड़ा दौरा, 28 जनवरी को गुर्जर समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अखिलेश यादव बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा देगी जनता। किसानों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, 28 जनवरी को जारी की जाएगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 2000 रुपए। टेक कंपनियों में छटाई से चिंतित केजरीवाल, दिल्ली के सीएम ने केंद्र को लिखा खत, कहा सही कदम उठाए सरकार। पाकिस्तान में बिगड़े हालात, रोटी के बाद बिजली संकट, राजधानी समेत कई जिलों में ब्लैकआउट। कम होगी टेंशन, रेलवे का AI दिलाएगा कंफर्म टिकट, सफल रहा नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल। राहुल गांधी ने बताई अपनी मनपसंद लड़की की खूबियां, कहा जब मिलेगी सही लड़की कर लूंगा शादी। दिल्ली NCR में ठंड और पोल्यूशन की दोहरी मार, AQI लेवल बढ़ा, बारिश के भी आसार। देश में सबसे ज्यादा धान बेचने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़, सीएम बघेल ने किसानों को दी बधाई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन TV से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।